हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी किलिंग मी सॉफ्टली को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यह मूवी स्टार्टिंग में एक ट्विस्टेड लव स्टोरी लगती पर है, उसके बाद एक बहुत अच्छी थ्रिलर बन जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें माउंटेन पर कुछ लोग हाइक करते हुए दिखाई देते हैं। यही हाइकिंग करते वक्त यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद एलिस, हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर, वो यहाँ पे दिखती है। इसकी स्टोरी एलिस हमें बता रही है। मूवी में एलिस हमें बताती है कि उसके ज़्यादा कुछ अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं और उसके घर में भी कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है। एलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। ये 1.5 ईयर से लंदन में रह रही है। 6 मंथ्स में उसे बहुत लोनली महसूस हो रहा था, तभी इसका बॉयफ्रेंड बन गया। अब एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रह रही है। एलिस का बॉयफ्रेंड इंजीनियर है और एलिस कुछ तो भी वेबसाइट बनाने का काम करती है। एलिस जो हमें बता रही है उससे यह पता चलता है कि वह एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद एलिस अपने काम पर जा रही होती है, तभी रास्ता क्रॉस करते वक्त उसे वहाँ पर एडम दिखता है। जब एडम को देखती है तभी वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जब वो रास्ता क्रॉस कर रही होती है और आगे जा रही होती है तभी भी वो एडम की तरफ ही देख रही होती है। इस वजह से उसका ऑफिस भी पीछे छूट जाता है, पर वो एडम को ही देख रही होती एलिस है। एलिस ऑफिस के बाहर रुकती है और एडम कहाँ काम करता है वो देख लेती है। आज दिन भर वो एडम के बारे में सोच रही होती है। एलिस का जब लंच ब्रेक होता है तब वो एडम को जिस बुक स्टोर में जाते हुए देखती है उसी बुक स्टोर की तरफ वो चली जाती है। वो वह चुपके से देखती है पर एडम उसे तुरंत स्पॉट कर लेता है। वो फिर से बाहर निकलती है पर एडम वहीं पे खड़ा हो जाता है। एलिस हमसे कहती है कि एडम ने हमारे लिए टैक्सी मंगवाई, यानी कि ये दोनों एडम के घर जाने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ये एलिस बता रही है। अगर आपको यह बात इलॉजिकल लग रही है पर यह कहानी उसके माइंड में ऐसी ही बनी हुई है जो हमें वो बता रही है। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड है तो दोनों एडम के घर आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब एलिस यहाँ से जा रही होती है तब एडम उससे कहता है कल भी तुम ही आना। एलिस कहती है मैं आज काम करने वाली हूँ, तो एडम कहता है आज रात आ जाना। एलिस उस पर कुछ बोलती नहीं पर एडम कहता है जब भी तुम्हें लगे तुम आ जाना, मैं यही रुकूंगा। एलिस ने उसके बॉयफ्रेंड पर चीट किया है, इसी वजह से उसे गिल्टी महसूस होता है। उसका जो रूटीन चल रहा था उसे वो कंटिन्यू करना चाहती है। एडम पर एक बुक लिखी गई होती है, वो एडम को भुलाने की कोशिश करती है पर बुक स्टैंड के यहाँ वो एडम की फोटो लगी हुई देखती है। एडम एक्चुअल में बहुत ही बड़ा हाइकर है। हाइकिंग करते वक्त एक हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान उसने बचाई थी। एलिस को एडम से मिलना होता है, वो अपने आप को रोक रही थी पर रोक नहीं पा रही थी। वो डायरेक्टली एडम के पास आ जाती है और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एलिस फिर एडम से कहती है मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी, उस पर वो कहता है वो मेरी बुक नहीं है, वो मुझ पर बेस्ड है। एडम ने उस हादसे में कुछ लोगों को बचाया था पर उसमें कुछ और लोग भी थे जो वहाँ पर मर गए थे। एडम फिर उस एक्सीडेंट के बारे में कहता है। एडम फिर इनके बारे में कहने लग जाता है, कहता है कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस हादसे में उसकी वहाँ पर एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो एलिस को कहता है कि तुम्हें पता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर कैसा लगता है। फिश को पॉट से निकालता है और फिश तब फड़फड़ाने लगती है। इस हादसे को अब 2 साल हो चुके हैं। एडम फिर फिश पॉट की तरफ जाता है। एडम कहता है इसी तरह से हमें भी महसूस हो रहा था। तब एलिस एडम को कहती है कि मैं किसी के साथ हूँ। उस पर एडम कहता है कि पर अब तुम यहाँ पर हो। अपने काम से घर जाते वक्त एलिस को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे आई लव यू कहता है, फिर वो भी उसे आई लव यू कह देती है। उस पर एलिस को बहुत ही गिल्टी महसूस होता है और वो रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके बॉयफ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता। उस पर एलिस कहती है कि मैं किसी और से मिली हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि हम एक साथ रह रहे हैं फिर भी तुम किसी और के साथ मिल रही थी। वो उससे पूछता है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। उसे बहुत ही हर्ट महसूस होता है
और उनका ब्रेकअप बहुत ही बुरा हो जाता है। एलिस फिर अपने घर से निकलती है और एडम के यहाँ जाती है। वो डोर नॉक करती है, तब वहाँ से एक लड़की निकलती है। एलिस को चीटन महसूस होता है, उसे लगता है कि एडम की कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो लड़की एलिस को बिठाती है और कहती है कि वो एडम की सिस्टर है। इसके बाद एलिस को ज़रा अच्छा लगने लगता है। एडम की सिस्टर का नाम डेबरा होता है और डेबरा को एलिस के बारे में सब कुछ पता होता है। ये दोनों बात करने लग जाते हैं। तब डेबरा कहती है कि मेरा ब्रदर एक हीरो है और ये चीज़ वो भूल जाता है। डेबरा एलिस को एक रिंग ऑफर करती है और कहती है कि अब वो उसके साथ है। एलिस को यहाँ पे पता चलता है कि डेबरा कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, इसलिए एडम वहाँ पर रह रहा था। डेबरा एडम के घर का पता उसे दे देती है। एलिस जब एडम के घर पहुँचती है तब एडम वहाँ पर नहीं होता। बाहर बहुत ठंड होती है पर एलिस बाहर ही रुक जाती है। एडम जब वहाँ पहुँचता है तब एलिस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। सुबह होती है तब एडम की इंटरव्यू लेने के लिए एक मैगजीन से जर्नलिस्ट आती है। एलिस को काम करने के लिए जाना होता है पर उसे उसके कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं। सब जगह ढूंढती है पर एक कबर्ड होता है जो लॉक होता है। सब ड्रॉवर चेक करती है तब उसे वो चाबी कबर्ड की मिल जाती है, पर तभी उसे उसका शर्ट दिख जाता है। यहाँ एलिस ऊपर के रूम में होती है और नीचे एडम का इंटरव्यू चल रहा होता है। एडम के फ़ोन पर कॉल आता है जो एलिस उठाती है, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। एलिस को यहाँ पर थोड़ा सस्पिशियस लगता है पर वो जाने देती है और तैयार हो जाती है। एलिस काम के लिए जा रही होती है तभी बीच में एडम इंटरव्यू छोड़कर उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि आज दिन भर मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ। एलिस भी कहती है कि मैं तुम्हारे ही बारे में सोचूंगी। वो एलिस से पूछता है कि क्या तुम्हें हाइकिंग सीखनी है। एलिस भी इंटरेस्टेड होती है। तब एडम उसे कहता है कि काम होने के बाद तुम यहाँ आ जाना जहाँ पर वो माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। एलिस का काम होने के बाद एडम उसे इंडोर गेम पर बुला लेता है। यहाँ पर एडम की सिस्टर डेबरा भी है। डेबरा एलिस को वॉल चढ़ने के लिए रोप वगैरह लगाती है, रोप वगैरह टाई करती है और उसे ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। जब एडम ये सब देखता है तब एलिस के पास आ जाता है और डेबरा को एलिस से दूर कर देता है। एडम एलिस से कहता है कि डेबरा मेरी सिस्टर है पर मैं उससे बहुत हेट करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस उसके फ्रेंड के साथ मिल रही होती है। एलिस अपने फ्रेंड से कहती है कि जब से वो यह न्यू रिलेशनशिप में है तब से वो बहुत बदल चुकी है, उसकी लाइफ बहुत ही एक्साइटेड है। यह जो फ्रेंड है वही उसके एक्स बॉयफ्रेंड की भी फ्रेंड है। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होने के बाद बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। वो एलिस से कहती है कि तुम एडम से सिर्फ अट्रैक्टेड हो और अट्रैक्शन की वजह से यह रिलेशनशिप 100% सक्सेसफुल हो सकती है ये उसे नहीं लगता। पर एलिस को ऐसा नहीं लगता। वो उस पर कहती है कि हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। एलिस अपने फ्रेंड से मिलकर रास्ते से जा रही होती है। अब वो एडम से मिलने जा रही होती है। रास्ते पर एक आदमी उसकी पर्स ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। एडम भी उससे मिलने ही आ रहा था तो ये सब वो देख लेता है और उस आदमी के पीछे वो भागने लग जाता है। आगे चलकर वो उस आदमी को पकड़ लेता है और वहाँ पर एलिस भी पहुँच जाती है, इसलिए एलिस उसे रोक लेती है। पर एलिस को कुछ हो जाता तो एडम यह सह नहीं पाता। इस आदमी को एडम बहुत मार रहा होता है और मारते मारते मार भी सकता है। वो रियलाइज़ करता है कि वो एलिस से बहुत प्यार करता है और वो एलिस को कह भी देता है और वो एलिस से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एलिस को अजीब लगता है कि ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है, पर एलिस उस पर हाँ कह देती है क्योंकि वो भी उसके प्यार में है। एक दिन एलिस को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि अपना तुम दिमाग यूज़ करो, एडम के बारे में तुम कितना कुछ जानती हो। यह देखकर एलिस को बहुत ही वियर्ड लगता है और एडम को यह लेटर दिखाती है और लेटर देते हुए वो एडम को कहती है कि एक फ़ोन कॉल आया था, उस पर कोई भी बोल नहीं रहा था। एडम कहता है इस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, फिर से तुम्हारे साथ ये हुआ तो मुझे बताना,
एडम और एलिस शादी करने वाले होते हैं। एडम एलिस को एक चर्च में ले आता है जहाँ वो उसकी फैमिली चर्च होता है, वहाँ पर वो एलिस से शादी कर लेता है। यह जगह बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, इसलिए एडम को बचपन में जो भी जगह ब्यूटीफुल लगती थी वो जगह वो एलिस को दिखाता है। एलिस भी बहुत खुश होती है और एडम एलिस से कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि आदमी के दो पीसेस होते हैं, वो दूसरा पीस हमारा सोलमेट होता है, वही हम ढूंढते रहते हैं। एडम कहता है मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए वो एलिस के साथ ट्रेकिंग पर जाना चाहता है। एडम जगह बताता है और एलिस को कहता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो। कपड़े चेंज करते वक्त एलिस जब न्यूड होती है तब एडम उसकी फ़ोटो खींचना चाहता है। एलिस तब शर्मा रही होती है पर एडम उससे कॉन्फिडेंटली फ़ोटो निकालने के लिए कहता है। ये फ़ोटो उसने स्टैचू के पास निकाली होती है। स्टोरी में आगे आपको इसका और भी सिग्निफिकेंट पता चलेगा। एडम फ़ोटो निकालने के बाद अपनी फ्लेयर गन निकालता है, ऊपर आकाश में निकालता है और चलाता है। एलिस एडम से पूछती है कि तुम्हें ये फ्लेयर गन कहाँ से मिली। तब एडम उस पर कहता है कि हाइकर्स के लिए यह सप्लाईज होते हैं। एडम फिर से इस गन को लोड करता है और चर्च के बाहर रख देता है। एलिस और एडम फिर दोनों माउंटेन चढ़ने लग जाते हैं। बहुत टाइम हो चुका है फिर भी वह ट्रेकिंग ही कर रहे हैं। एलिस कहती है मेरा हनीमून मैंने अलग इमेजिन किया था। एडम कहता है कि तुम्हारा हनीमून तुम कभी भूल नहीं पाओगी। अब रात हो जाती है फिर भी वे उसे फॉलो ही करती रहती है। एडम एलिस को आगे लेके जाता है और एलिस भी एडम को फॉलो ही करती रहती है। आगे चलकर रिवर के पास एक ब्यूटीफुल घर होता है, वो उनके लिए होता है। एलिस को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो अंदर जाती है तब एडम उसके लिए ड्रिंक बनाता है, फिर घर में एक हुक फिट करता है। उसके साथ उसने एक सिल्क रिबन भी लाई होती है। ये रिबन वो उस हुक को बांधता है, यही रिबन वो एलिस के भी गले को रैप कर देता है। ये दोनों इसी तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं। एलिस कहती है कि उस दिन मैंने सब कंट्रोल छोड़ दिया था, मेरे सांस पर भी एडम का ही कंट्रोल था और उसे ये बहुत ही अच्छा लगा था। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन घर के बाहर एलिस को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि एडम से शादी करना एक बड़ी मिस्टेक थी। एलिस को लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा होगा, ये सब कर रहा होगा, इस वजह से वो उसके बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है पर उसकी फ्रेंड वह फ़ोन उठाती है। एलिस की फ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब ये दोनों रिलेशनशिप में है। एलिस अब इस लेटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। एडम एलिस को एक पार्टी में ले जाता है, ये सब उसके माउंटेंस चढ़ने वाले फ्रेंड्स लोगों की पार्टी होती है। इस पार्टी में एडम को उसके फ्रेंड्स लोग घेर लेते हैं और वो एलिस से बात नहीं कर पाता, उस वजह से उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। पर वहाँ पर उसके पास डेबरा भी पार्टी में होने की वजह से उसके पास आ जाती है। एलिस को अपसेट देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है। एलिस कहती है कि थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। तभी डेबरा उसका हाथ पकड़ लेती है और एक्यूप्रेशर चेक करती है, तो उसके बाद एलिस को ठीक लगने लगता है। डेबरा एलिस के लिए एक नेकलेस लाती है, एलिस को भी नेकलेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद एलिस भी पार्टी में घुल मिल जाती है और एडम एलिस की तरफ देखता है और एडम और उसके दोस्त एडम और एलिस की शादी हो गई उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर से एलिस का रूटीन जैसे चल रहा था वैसे चलने लगता है। एक दिन जब वो जॉब पर होती है तब उसे एक रिपोर्टर का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि जब मैंने एडम पर स्टोरी पब्लिश की तब एक लड़की का मुझे कॉल आया, वो क्लेम कर रही थी कि एडम ने उसका रेप किया है। उस लड़की ने क्या कहा था और उस लड़की का एड्रेस सब वो उसे फैक्स करने के लिए कहती है। एलिस यह बात इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस लड़की के पास आ जाती है। एलिस ढूंढ लेती है कि वो एडम की रिपोर्टर है और वो उसका इंटरव्यू ले चुकी है। ये लड़की सब कुछ बताने लग जाती है और ये लड़की कहती है हम एक साथ एक पार्टी में थे, फिर हम बाहर गए, तब एडम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया था, पर फिर भी उसने मेरा कुछ माना नहीं। ये लड़की कहती है कि उसने मेरा रेप किया
और उसे इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। इसके बाद एलिस वहाँ से चली जाती है और एक्चुअल रिपोर्टर के पास मिलने आती है। ये रिपोर्टर उसे सब कुछ बताती है। वो एलिस से कहती है कि ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें क्यूरियोसिटी थी पर इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में लोग हर्ट हो जाते हैं। रिपोर्टर ने एलिस और एडम की जोड़ी देखी है, उसे पता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एलिस और रिपोर्टर मिलती है उस कैफे में, हमें दिखता है कि इन दोनों पर कोई नजर रख रहा है। एलिस रात में इन सभी चीज़ों के बारे में सोचती रहती है। वो सोच रही होती है कि एडम के साथ उसने शादी तो कर ली पर उसके बारे में उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हम लोगों के साथ रहते हैं, उनकी स्टोरीज हमें मालूम रहती है, हमें सबकी स्टोरी मालूम रहनी चाहिए, ऐसा वो सोचती है। तभी उसे याद आता है कि ऊपर एक कबर्ड है जो लॉक पड़ा है। ऊपर जाती है, चाबी लेती है और उस कबर्ड को अनलॉक करती है। अनलॉक करने के बाद वहाँ उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। ये सब लेटर्स लड़कियों के होते हैं। इस लेटर में एक लड़की ने कहा होता है कि वो एडम के साथ नहीं रह सकती, वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। वो जल्दी से इस कबर्ड को बंद कर लेती है। एडम जो भी सब चीजें करता है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। ये सब पढ़ते पढ़ते ही एडम वहाँ आ जाता है। जल्दी जल्दी में वो एडम के पास आ जाती है, कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। एडम पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब एडम एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें कल फ़ोन किया था पर तुमने उठाया नहीं था, शायद तुम ऑफिस में नहीं थी। एलिस उस पर कहती है कि मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी। एडम उसके साथ बहुत इंटरोगेशन करता है। एलिस इस पर चिढ़ जाती है। एडम इस पर कहता है कि तुम कहाँ काम करती हो। एलिस से कहता है तुम कहाँ काम करती हो और क्या करती हो, ये मुझे पिक्चर करना अच्छा लगता है। डेबरा ने एलिस को जो नेकलेस दिया था उसके बारे में वो पूछता है। एलिस उसके बारे में भी बता देती है। उसके बाद एडम का एक फ्रेंड वहाँ पर आता है। एडम की और एक इंटरव्यू है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलिस को फिर एक नया लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम उसके साथ कितनी दूर तक जा सकती हो। अब हम देखते हैं कि एलिस को जो लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि एक लड़की जो एडम से ब्रेकअप करना चाहती है, उस लड़की का एड्रेस उसमें लिखा हुआ होता है। वहाँ पर एलिस पहुँच जाती है। वहाँ उस लड़की की माँ एलिस से मिलती है और वो कहती है कि 8 महीने से उसकी लड़की घर पर नहीं आई है। वो लड़की 8 महीने से गायब है। ये सुनकर एलिस बहुत ही सस्पिशियस हो जाती है। एक्चुअल में ये जो लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी। एडम के साथ वो ट्रेकिंग कर रही थी, इसी वजह से वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। इस लड़की की मदर इस लड़की का फोटो एलिस को दिखाना चाहती है। एडम ने एलिस का फोटो उस स्टैचू के पास जैसे निकाला था वैसा ही फोटो उस लड़की का भी उस स्टैचू के पास निकाला हुआ होता है। तब एलिस को पता चलता है कि एडम इस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो एडम इस लड़की के गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लड़की की मदर कहती है कि एडम भी उसके पास आज मिलने के लिए आने वाला है। तो एलिस डर जाती है क्योंकि एडम उसे स्पॉट कर सकता है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रात को जब एडम घर पर आता है तब वो एलिस से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। एडम एलिस को पकड़ता है और टेबल से उसे बांध देता है। एलिस एडम से कहती है कि मुझे सब लेटर मिल चुके हैं। एडम बहुत चिढ़ जाता है और वह कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। वो सब एडम का पास्ट था, वो सब वो भुलाना चाहता है। एलिस एडम को सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जान सकती तो और भी तुमसे प्यार कर सकती हूँ। एडम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिस उससे कहती है कि मुझे अनटाई करो, उसे टॉयलेट जाना होता है। जब एलिस टॉयलेट जाती है तब खिड़की से निकलकर भागने लग जाती है। एडम ये रियलाइज करता है और वो भी भागता है। एलिस अंधेरे में एक जगह छुप जाती है और एडम उसे ढूंढ नहीं पाता। वो डायरेक्टली पुलिस के पास आती है। उसे जो लगता है एडम ने एक लड़की को मार डाला है वो सब कुछ वो पुलिस को बता देती है। अब तक मूवी में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ वो पुलिस को बता रही थी। एडम एलिस के लिए चिंतित हो जाता है और वो भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो पुलिस से कहता है कि वो एलिस के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है इसलिए उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हुआ है। पुलिस एलिस से कहती है कि तुम जो भी कह रही हो वो सब कुछ ठीक है पर इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जब एडम उस पुलिस स्टेशन से निकल जाता है उसके बाद एलिस वहाँ से निकलती है। वो डायरेक्टली डेबरा के पास आती है। वो डेबरा से कहती है कि मुझे लगता है कि एडम ने खून किए हैं। वो कहती है
कि एडम ने जो हाइकिंग के वक्त एक्सीडेंट हुआ था वो उसने खुद से करवाया था, क्योंकि वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो तंग आ गया होगा, इसलिए उसने जानबूझकर किया होगा। डेबरा कहती है, मुझे भी उस पर शक है क्योंकि जो हुक उसने ट्रेकिंग के वक्त यूज़ किया था वो बहुत ही स्ट्रांग था, वो इजीली नहीं छूट सकता। एलिस कहती है कि हमें उस मिसिंग लड़की की बॉडी ढूंढनी चाहिए। एलिस को लगता है जहाँ पर उसने उसकी फ़ोटो ली थी वहीं पर उसकी डेड बॉडी गड़ी हुई होगी। दोनों उस जगह के ओर निकल पड़ते हैं। कार चलाते वक्त डेबरा उसे कहती है, जो लेटर तुम्हें आ रहे थे वो मैं ही तुम्हें सेंड कर रही थी। मुझे पता था कि मेरा ब्रदर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, मुझे मालूम था, इसलिए तुम्हें वार्न करने के लिए ये सब लेटर मैं तुम्हें भेज रही थी। एलिस को ढूंढते ढूंढते एडम भी डेबरा के घर पहुंच जाता है। वो अंदर आ जाता है और उसे उस लड़की की फोटो मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि एलिस और डेबरा कहाँ गए होंगे। एलिस और डेबरा वहाँ पर पहुंचकर डिग करने लग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ देर के बाद बॉडी मिल जाती है। ये सब देखकर एलिस डर जाती है और उसने प्रूफ कर डाला कि ये एडम ने ही किया है। और डिग करती है तब उन्हें नेकलेस मिलता है जो डेबरा ने एलिस को दिया था। डेबरा कहती है कि ये सही है, मैंने ही उस लड़की को मारा था, एडम का जो एक्सीडेंट था वो डेबरा ने ही करवाया था। एलिस कहती है डेबरा से कि ये तुम सब कुछ क्यों कर रही हो, इस घर में तुम दोनों जो कर रहे थे ये किसने एडम को सिखाया है, तुम्हें क्या लगता है? ये सब डेबरा ने एडम को सिखाया है, यानी कि डेबरा बचपन से पागल थी, वो एडम से इंटीमेट होती थी। ये सब कहकर डेबरा एलिस पर अटैक करती है, तभी एडम वहाँ पर पहुँच जाता है। एडम डेबरा को मारकर घायल कर देता है और एलिस वहाँ से भाग जाती है और एडम वहाँ पर खड़ा होता है, तभी एलिस थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ चुकी होती है और पीछे से डेबरा एडम पर अटैक करती है, पर इस बार एलिस के पास फ्लेयर गन होती है जो उसने चर्च के सामने रखी हुई होती है लोड करके, उससे वो डेबरा पर अटैक करती है। एडम कहता है कि अगर मुझे लगा था कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी तो मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पुलिस को बुलवाया जाता है और ये सब केस वगैरह क्लोज हो जाती है। एडम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ एक्सट्रीम करता है, पर एलिस को एक स्टेबल लाइफ जीनी होती है, इस वजह से वो एडम के साथ ब्रेकअप कर लेती है और यही बताते हुए वो हमसे कहती है कि 2 साल पहले मैं एडम से मिली थी पर मुझे पता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप एक गलत है, मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई। मूवी में एडम का कैरेक्टर थोड़ा वायलेंट दिखाया है पर उसने कोई मर्डर नहीं किया होता है, और एलिस अपने बॉयफ्रेंड पर चीट करके एडम के साथ शादी कर लेती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती फिर भी उससे शादी कर लेती है। ऐसे भी एक लेटर आया था जिसमें एडम ने एक लड़की का रेप किया था ऐसा लिखा हुआ था, इसी वजह से एलिस को लगता है कि उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में।